बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सीख कबाब बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। इसके लिए मुझे चाहिए एक प्याज, अदरक, लहसुन और एक हरी मिर्च है। ये काफ़ी बड़ी है इसलिए मैं एक ही यूज़ कर रही हूँ। अगर छोटी हो तो आप 2 से 3 हरी मिर्चें ले सकते हैं। इसके अलावा मसालों में नमक, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा, कलौंजी। इसके अलावा मेरे पास 1 kg कीमा है, आप चाहे तो 1/2 kg भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें फ्रेश धनिया भी जाएगा। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालेंगे, इसमें बाइंडिंग अच्छी आती है कॉर्नफ्लावर से। और थोड़ा सा तंदूरी मसाला जस्ट फॉर टेस्ट। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चॉपर में हम सारी चीज़ों को चॉप कर लेंगे। इसमें डालेंगे लहसुन, हरी मिर्च रफली काट के डाल देंगे। आप इसमें हरी मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी चॉइस से। इसके अलावा अदरक का एक टुकड़ा जाएगा इसमें, तकरीबन 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। इन सब चीज़ों को चॉप कर लेंगे। इसी में हम प्याज भी डाल के चॉप कर लेंगे। इस तरह से इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया सारी चीज़ों को। अब कीमे में मिक्स कर लेंगे। अब ये सारे ड्राई मसाले इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा तंदूरी मसाला तकरीबन 1 चम्मच। और 1 चम्मच इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चाहे तो हाथ से कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें हरा धनिया डाल देंगे, जिसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अच्छी तरह मसाले मिक्स करने के बाद इसको आधा घंटा फ्रिज में रखेंगे मैरिनेट होने के लिए। इस तरह से तमाम सीहों पर कबाब अच्छी तरह से लगा लें। मैं आपको 2 तरीके से बनाना सिखाऊंगी। मज़ेदार सीख कबाब तैयार हैं। ये 1 तरीके से मैंने आपको सिखाए हैं जिनको बारबेक्यू किया है। अब मैं आपको 2 तरीके से भी सिखाऊंगी, वो भी बहुत आसान है। जो आपको सही लगे आप उस तरीके से बनाएं और इन्जॉय करें।